नमस्ते। आज हमारा एग्जिमप्रेन्योर का जो शो है ट्रिपल IM, हर बार कोई नई प्रोडक्ट, नया एक्सपोर्टर, नया इम्पोर्टर लेके एग्जिमप्रेन्योर के शो में आते हैं। और इस बार हमारे साथ हैं दर्शित पटेल, जो हमारे स्टूडेंट हैं 2015 के स्टूडेंट। जब उन्होंने 2015 में शुरू किया और ख़त्म की स्टडीज़, फिर हमारे दीपक सर जो हैं हमारे डायरेक्टर, फाउंडर डायरेक्टर, उनके थोड़ी सी सलाह लेके आगे बढ़े। और तब हमारे सर ने, मिस्टर मनोहर ने इनको एक अवार्ड भी दिया था कि इनका पहला सक्सेसफुल एक्सपोर्ट हुआ है। आज हमारे पास आ रहे हैं 4 साल के बाद, पर बहुत सारे एक्सपोर्ट करने के बाद आए हैं हमारे पास। इसीलिए नाउ ही इज़ दर्शित पटेल इज़ अ वेटरन, ही इज़ अ थरो एक्सपोर्टर। दर्शित पटेल बिल्डिंग मटेरियल्स में एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे कंट्रीज़ में करते हैं। अभी हम जानेंगे दर्शित से कि वो कैसे ये फील्ड में आए सबसे पहले, और फिर आगे आगे हम बात करते जाएंगे। तो दर्शित भाई, हमें बताइए आपके बारे में, आप ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की फील्ड में कैसे आए, और आपके फैमिली के बारे में। मैं जनरली मेरे फादर है बैंक ऑफ बड़ौदा में है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो ऐसा कोई मेरा बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था कि मैं कुछ खुद का करूँ और खुद का कुछ एक्सपोर्ट करूँ, ऐसा को पहले से ही मन में था। तो जब 2007 से मैं जब इसमें बिजनेस में आया, तो मेरा प्रिंटिंग इंक का पार्टनरशिप में बिजनेस था। फिर उसमें वो क्रेडिट बहुत थी, 3-3 महीने का क्रेडिट था और पेमेंट बहुत लेट आते थे। तो वो डोमेस्टिक में था। अच्छा, डोमेस्टिक से आपने, अहमदाबाद में। पर आपका कोई बिजनेस बैकग्राउंड है नहीं, और फादर ने आपको इतना एनकरेज किया? हाँ, फादर का और फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा। अच्छा, वेरी गुड। आपको कुछ करना हो तो कर सकते हो, क्योंकि 2015 में तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट थोड़ा सा नया था, उतना ऑनलाइन भी नहीं था और सब। हाँ, तो उस तरह से फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ एक्सपोर्ट में फोकस करता हूँ। तो पहले मैंने, हमारे एक रिलेटिव है, उनका लोकल में बहुत सारा अच्छा कंजप्शन था, उनका प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छा था, और वो खुद 2000 के साल से एस्टेब्लिशमेंट में थे, और उनका दो चांगोदा में दो बड़ा फैक्ट्री था। तो पहले मैंने उनका प्रोडक्ट लिया, फिर थोड़ा स्टडी किया। मेन जो है वो प्रोडक्ट का स्टडी है, मेन जो चीज़ है वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करने का। प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद उसकी स्टडी, जैसे दर्शित बता रहे हैं, अरे मेरे शब्द में बोलूँ या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की लैंग्वेज में बोलूँ तो प्रोडक्ट रिसर्च, ये बहुत ही बड़ा एक खुद अपने आप में एक डिटेल में स्टडी करने वाली बात है। प्रोडक्ट को जितना आप ज़्यादा जानोगे, उतना आप अच्छी तरह से बाहर की दुनिया में बेच पाओगे। सो प्रोडक्ट रिसर्च इन्होंने की, उनके रिश्तेदार की एक फैक्ट्री थी, उन्होंने प्रोडक्ट रिसर्च किया। फिर कभी कभी क्या होता है, बायर आपके पास आ जाते हैं लेकिन आपको, आपके पास पूरा नॉलेज नहीं होता। एग्जैक्टली, वेरी गुड पॉइंट। बायर आपको क्वेश्चन पूछते हैं, फिर आप बोलोगे कि कल बताओगा या सोच के बताओगा, तो बायर को भी मालूम पड़ हो जाता है कि ये नया एक्सपोर्टर है या नया है। तो इसके पहले मैं सारे नए एक्सपोर्टर को या हमारे नए मेम्बर को सलाह देना चाहता हूँ कि आप पहले पूरा प्रोडक्ट का स्टडी कर लीजिए, क्योंकि बायर है ना, हमसे ऑलवेज ज़्यादा जानता होगा प्रोडक्ट, क्योंकि वो एक ही प्रोडक्ट पे परचेस करना चाहता है। यस, और वो पैसे लगा रहा है, तो वो ज़्यादा ही जानता, वो ज़्यादा जरूरी है। तो मैंने क्या किया कि मैंने पहले तो चाइना वाले की स्टडी किया, तो मैं एज अ बायर बन के चाइना वाले से प्राइस निकालता था और चाइना वाले से पूरा प्रोडक्ट डिटेल निकालता था। वो लोग मुझे विद इन हाफ एन आवर में पूरा पैकिंग डिटेल, क्या क्या मटेरियल यूज़ किया है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन, वो पूरा मुझे दे देते थे। दर्शित ने जैसे हमें बताया कि वो खुद अपनी इंटरनेशनल मार्केट में बायर बन के फ़ोन करते थे और डिटेल्स निकलवाते थे, कितने रेट में बिक रहा है, कौन सी पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करते हैं और कैसे भेजते हैं, तो आधे घंटे में वो लोग ईमेल पे जवाब दे देते थे। तो ये जो चीज़ है, बायर खुद बायर बन के, आप तो सेलर हो पर खुद बायर बन के इन्होंने कंपटीशन मार्केट से बातचीत की। दर्शित, चाइनीज तो आपको आती नहीं है, तो फिर आप चाइनीज लोगों से कैसे बात करने लगे? नहीं, मैं इंग्लिश में ही बात करता हूँ। उनके जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिवीजन में जो स्टाफ रहते हैं, उनको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है,
तो हमने अपने से आराम से इंग्लिश में, क्योंकि 2015 में तो कम ही था ये सब. कम, हाँ कम, वो तो कम ही था. ओके, फिर मैंने क्या किया कि उनके प्राइस भी मैंने लेना शुरू किए. हर 5-5, 6-6 महीने में मैं खुद प्राइस लेता था अपडेट के लिए, क्योंकि वो बायर है तो कोई भी बायर है, वो बायर एक हमने हमारे अकेले से तो प्राइस लेगा नहीं, वो पूरे 5-7 बायर से सप्लायर से प्राइस लेगा. तो उस वो भी जरूरी है कि हमारा प्राइस क्या है. अभी हमारे लोग जो नए नए एक्सपोर्टर है, जिस जो नए नए एंटरप्रेन्योर है, उनको वो दिक्कत आती है कि वो कहीं से भी माल ले लेते हैं. वो सोचते नहीं है कि इसके मैन्युफैक्चरर कौन है और ट्रेडर कौन है वो. तो फिर क्या, सबका प्रॉफिट ऐड होके वो प्राइस लेके फिर उनका खुद का प्रॉफिट ऐड करेंगे, प्रॉफिट कम करके वो उनसे एक्सपोर्ट करने जाएंगे तो उनका वो डील होगा नहीं. तो आपको दर्शित के अनुसार हमें राइट मैन्युफैक्चरर से अपना सप्लाई खरीदना है. तो हमारी बात हुई प्रोडक्ट रिसर्च की और हमारी बात हुई सप्लायर की. हमें सप्लायर के जो सोर्स पे जाना है, जो मैन्युफैक्चर खुद करता है उस पे जाना है अकॉर्डिंग टू दर्शित. दर्शित, आप अभी फिलहाल कितने साल से एक्सपोर्ट कर रहे हैं? मैं पिछले 4 साल से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ. मेरा फर्स्ट ऑर्डर 2016 का दिसंबर में आया था. वो भी बड़ा ऑर्डर था, $55,000 का, और वो भी LC पे था. $55,000 का फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर, वो भी फुल कंटेनर, और फुल कंटेनर 40 फीट, 40 फीट कंटेनर, और वो भी $55,000 एंड फर्स्ट ऑर्डर. कौन सी चीज़ का? वो एल्यूमिनियम पे कंपोजिट पैनल का, मेरी एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल. और कौन से देश में? वो अल्जीरिया में था. अल्जीरिया में था, अफ्रीका. अफ्रीका में. उसका एक मेन पॉइंट वो था कि उसको इंग्लिश नहीं आती थी. ओके, तो फिर आप बात कैसे करते? पहली बार उसका मेल आया तो पूरा उसकी लैंग्वेज में आया, तो फिर मैंने पूरा गूगल कन्वर्टर करके. वेरी गुड. तो आपने 2016 में भी गूगल ट्रांसलेटर यूज़ किया और अल्जीरियन लैंग्वेज में आया और आपने अल्जीरियन से इंग्लिश में. सो बिल्डिंग मटेरियल्स आप का प्रोडक्ट है, आप बिल्डिंग मटेरियल्स में काम कर रहे हो. सैंपल लाए हैं दर्शित पटेल. ये हैं जो हमारे घरों में जो दरवाजे बनते हैं उसकी जो हम बार साथ बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं. ये है WPC डोर फ्रेम, और ये है WPC डोर. ये सैंपल लाए हैं, और ये है PVC फोम बोर्ड, PVC फ्रेम बोर्ड. और ये जो PVC फोम बोर्ड है, PVC का फोम बोर्ड है. ये प्लास्टिक बोर्ड है, जो प्लास्टिक बोर्ड यहाँ पे भी लकड़ा यूज होता है, इसका ऑप्शनल है. किसका? जो लकड़ा यूज होता है उसका ऑप्शनल है. ये आजकल बहुत सारे इसके फर्नीचर निकल आए हैं. ये वाटर प्रूफ भी है, टर्माइट प्रूफ भी है, इसके बहुत सारे आजकल लॉन्ग लास्टिंग है. यस, ये वुड का ऑल्टरनेटिव है, और बहुत सारे आजकल फर्नीचर 10-10 ईयर्स की वारंटी के लिए ये PVC फॉर्म बोर्ड के बनाए हुए होते हैं. और इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बनाया है अपना, ऐसे ये मार्बल का है, एक्रेलिक सॉलिड सरफेस है, विथ एन एक्रेलिक सरफेस. और ये इनके प्रोडक्ट्स हैं, सारे बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए हैं. और ये इन्होंने सैंपल भेजने के लिए अपने बोर्ड्स जो हैं WPC बोर्ड्स, उनका यहाँ पे पूरा इन्होंने सैंपल बनाए हैं. सैंपल अपने पैसे से, खुद के पैसे से ये भेजते हैं दूसरी कंट्रीज में जहाँ पे बायर है. और ये इनका कैटलॉग है, ये भी साथ में भेजते हैं, और इनकी वेबसाइट भी है. और ये कैटलॉग बनाया है उन्होंने पूरे बिल्डिंग मटेरियल्स का, और इसमें लिखा है सिर्फ क्वालिटी क्या है, आप इनसे क्यों खरीदेंगे ये फॉर्म बोर्ड या फिर ये एक्रेलिक सरफेस्ड मार्बल, ये क्यों इनसे खरीदेंगे. ये पूरा क्वालिटी पैरामीटर्स लिखे हैं हर एक बिल्डिंग मटेरियल की चीज़ के. सो दर्शित भाई बिल्डिंग मटेरियल्स की चीज़ों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं. हर महीने करीबन एक एक्सपोर्ट इनका होता है. और कंट्रीज कौन सी आपने मेरा बताया? अभी रेगुलर में जो हर महीने जाता है वो ओमान है, और युगांडा है, और केन्या है. ओमान, युगांडा, केन्या आर हिज
प्राइमरी कंट्रीज वेयर ही इज रेगुलरली सेंडिंग दीज मटीरियल्स. ये बिल्डिंग मटेरियल इन देशों में बहुत यूज में रहता है. कंस्ट्रक्शन वहाँ पे ज्यादा हो ज्यादा होता है. डेवलपिंग कंट्री है और कुछ कुछ अंडर डेवलपिंग कंट्री है, तो वहाँ पे डिमांड ज्यादा रहती है, ज्यादा रहती है. और आपका कंपटीटर कौन है, मतलब इंडिया से आप ये माल भेजते हैं तो बाहर के देश में आपका कंपटीटर कौन है? मेन तो हमारा कंपटीटर चाइना है. चाइना है, क्योंकि चाइना थोड़ा क्वालिटी थोड़ा सस्ता बेचता है. लेकिन मेरे पास वही क्लाइंट आते हैं जिसको अच्छी क्वालिटी चाहिए, मतलब चाइना तो से परेशान हो गए हूं. चाइनीज क्वालिटी से भी अच्छी क्वालिटी दर्शित बेचते हैं, तो वही क्लाइंट आते हैं जिन्होंने चाइना की क्वालिटी का यूज किया है, दर्शित भाई के कंपनी के सैंपल्स देखे हैं और उन्होंने जांच करके चेक किया है कि इनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है. इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि हम कंपटीटर से बायर बन के बात करें, उनसे भी सैंपल्स मंगवाएं. एक और चीज़ आपने मुझे बीच में बताई थी कि आप कंपटीटर को बीट करने के लिए कुछ करते हैं, जैसे कि सैंपल फ्री में बेचते हैं. हाँ, क्योंकि अभी क्या चाइना से कॉम्पीट करना हो तो चाइना वाले तो पैसे लेते हैं सैंपल के, लेकिन अभी चाइना की क्वालिटी का बहुत इश्यू आ रहा है और चाइना के बाद दूसरा जो देश है जो अच्छा प्रोडक्ट बना सकता है और बेच सकता है वो इंडिया है. ओके. तो चाइना के बाद दूसरा ऑप्शन वर्ल्ड वाइड लोग इंडिया को देखते हैं, तो चाइना को कॉम्पीट करने के लिए मैं सैंपल भी फ्री में भेजता हूँ और बायर को पूरा बोलता हूँ कि आपको ऐसा हो तो आप फैक्ट्री विजिट भी कर सकते हो, मैं आपको एयरपोर्ट लेने आऊँगा, छोड़ने आऊँगा, पूरा फैक्ट्री दिखाऊँगा. तो बायर को भी क्या ट्रस्ट बैठता है इसमें. अच्छा, बायर को भी बुलाते हैं कि आप फैक्ट्री विजिट करो. ये सब चाइनीज लोग इतना नहीं करते हैं और वो सैंपल के पैसे लेते हैं, बल्कि दर्शित सैंपल के पैसे नहीं लेते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द कम्पिटिटिव फैक्टर्स कि चाइना लेता है, मैं नहीं लेता हूँ. और आप आओ यहाँ पे, हमारी इंडियन हॉस्पिटैलिटी देखो, हम आपको एयरपोर्ट तक लेने आएंगे, छोड़ने भी आएंगे. सो ही इज़ टोटली इन टू द कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप जो बनाने रखनी है अपने बायर्स के साथ और सप्लायर्स के साथ. इनके जो सप्लायर हैं जो अहमदाबाद में ही हैं, उनकी दो फैक्ट्रीज हैं और ये यही चीज़ें बनाते हैं और डोमेस्टिक मार्केट में बेचते हैं. इनके सप्लायर्स के बारे में, आपका जो सप्लायर है उनके बारे में बताइए. हाँ, हमारा जो रिलेटिव है वो उमिया कार्बन फ्लेक्सी कार्बन है और दूसरा उमिया फ्लेक्सी फॉर्म है, दो फैक्ट्री है. उनका ब्रांड नेम फ्लेक्सी बॉन्ड है, तो उनका लोकल में बहुत अच्छा क्वालिटी है, बहुत अच्छा कंजप्शन है. वो उनको इतना बिजी शेड्यूल है तो वो खुद एक्सपोर्ट नहीं कर पाते. पहले एक बार किया था लेकिन उन्होंने ट्रेडवे के थ्रू किया था, तो मैंने बोला कि मैं पूरा एक्सपोर्ट का मैं संभाल लेता हूँ. तो ये फ्लेक्सिबोल जो बोल्ड जो ब्रांड है उनका पूरे का पूरा एक्सपोर्ट दर्शित ही हैंडल करते हैं. मतलब दर्शित हुए हमारे मर्चेंट एक्सपोर्टर, माल लेना है कहाँ से, उमिया फ्लेक्सिबॉन से माल लेना है और उनके सप्लायर का प्रोडक्शन अभी इतना है कि वो रेगुलरली ये एक एक कंटेनर, बड़े बड़े कंटेनर भेज सकते हैं. सो और वो रिश्तेदार भी हैं, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को पहचानते हैं, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. उनका खुद का भी सपोर्ट रहता है, हर बार सैंपल भी बेचते हैं, प्राइस का भी कुछ हो तो हम बैठ के फाइनलाइज कर सकते हैं. और आप फ्लेक्सिबॉन्ड ब्रांड से ही बेचते हैं? हाँ, फ्लेक्सिबॉन्ड ब्रांड से बेचता हूँ. अगर बायर को खुद का प्रोटेक्टिव फिल्म लगाना हो, खुद का नाम लगाना हो, मार्किंग करना हो, तो वो भी हम फ्री में प्रोवाइड कर करके देते हैं. अच्छा, अगर बायर को आप तो OEM बना सकते हैं? OEM कर सकते हैं ऐसे जॉब जॉब वर्क के लिए, वो हमको प्रोटेक्ट उसके पैसे आप अलग से. हाँ, वो अलग से नहीं, फुल कंटेनर रहता है तो हम अलग से नहीं लेते. अच्छा, वेरी गुड. तो अगेन अ कॉम्पिटिटिव. अगर बायर को अपना नाम चाहिए, फ्लेक्सिबॉन्ड की जगह बायर को अपना नाम चाहिए यहाँ पे, तो वो ये भी करते हैं. ये तो हालांकि एक सैंपल है, पर कोई भी चीज में अगर बायर को जो ये प्रोटेक्टिव फिल्म आती ये, है ये उसकी फिल्म जो आती है ये ऊपर, वो बायर के नाम की बना के देते हैं. दिस इज वन मोर USP, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, कि आप बायर के नाम का भी बना के देते हैं. अगर फुल कंटेनर का ऑर्डर है तो ये एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं, तो इसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते. इसको OEM बोलते हैं और ये दर्शित करते हैं. दर्शित, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि फैक्ट्री, इसमें कोई सर्टिफिकेट चाहिए एक्स्ट्रा?
नहीं नहीं इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, फूड का प्रोडक्ट होता है उसमें थोड़ा बहुत चाहिए, इसमें फायर रेटेड का होता है वो चाहिए होता है यूरोप में उसमें, लेकिन इसमें अभी तो फायर रेटेड का इतना कंसेप्ट फायर रेटेड हाँ, अभी ये फायर रिटार्डन है हाँ। मतलब आग लगने के बाद 3-4 घंटे तक कुछ होगा नहीं, वो फायर रेटेड रहता है वो तो पूरा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ये उनका जो सैंपल है ये फायर रिटार्डन है, दैट मींस 3-4 घंटे आग लगने के बाद 3-4 घंटे तक इसको कुछ होगा नहीं। और यूरोपियन कंट्रीज वगैरह जो होती हैं वहाँ पे फायर सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है कि कितने घंटे के बाद आग लग सकती है, कितने डिग्री तक की आग की ये क्षमता रखता है। तो ये चीज़ें एक साइड में रखें, अभी हम यूरोपियन मार्केट में नहीं गए हैं, दर्शित भाई नहीं गए हैं, तो हम ये चीज़ साइड में रखते हैं। और आपका बोर्ड कौन सा है, आपका प्रमोशन काउंसिल? मेरा, मैंने तो अभी फियो में मेंबरशिप लिया है, फियो का भी बहुत अच्छा सर्विस है, फियो सपोर्ट देता है आपको, पूरा सपोर्ट देता है। उनके सेमिनार्स आते हैं, उनके मेल रेगुलर आते हैं। ऑल राइट, फिर वो ECGC में भी लिया है। अच्छा, मतलब मैं ये बात अभी पूछना चाहूँगी कि आप बायर का वेरिफिकेशन करवाते हो? हाँ पक्का करवाते, मैंने जब एडवांस में पेमेंट होता है फिर भी मैं बायर का वेरिफिकेशन करवा के ही माल भेजता हूँ। बायर का हाँ। वेरिफिकेशन करवा के ही माल भेजते हैं बायर को, तो ECGC करवाते हो? हाँ, ECGC करवाता हूँ, मैंने DNB भी पहले करवाया था। ऑल राइट, 100% एडवांस पेमेंट था फिर भी मैंने DNB करवाया था क्योंकि मेरी सेफ्टी के लिए। 100% एडवांस पेमेंट के बावजूद दर्शित ने खुद की सेफ्टी के लिए DNB, दैट इज बायर्स वेरिफिकेशन, डन्स एंड ब्रेडस्टीट, www.dnb.com की वेबसाइट है जो पेड है, वहाँ से आप बायर का वेरिफिकेशन करवा सकते हो। और ECGC में लेके आप अपना क्रेडिट का इंश्योरेंस ले सकते हो। तो दर्शित दोनों चीज़ें करवाए, मैंने DNB में खुद का नंबर भी लिया हुआ है, और इस बार अभी तो मैं ECGC से हर बार नए बायर का रिपोर्ट निकलवा ही लेता हूँ। अच्छा, DNB में आपने नंबर क्यों लिया है आपका? DNB में मुझे प्रमोशन के लिए, क्योंकि बाहर के जो एक्सपोर्टर रहते हैं वो लोग सब उनकी तरह से चेक करते हैं, तो वो लोग DNB नंबर है तो वो अच्छा रहता है। जिसको पैसे खर्च करने होते हैं वो है बायर, तो वो हम जैसे बायर का वेरिफिकेशन करते हैं तो बायर को भी हमारा वेरिफिकेशन हाँ, करने का हक है और ज़रूरत भी है क्योंकि वो हमें पैसे देने वाले हैं। तो इसीलिए DNB का एक नंबर आता है, वो नंबर आप कोट करें तो फिर आपको वेरिफिकेशन तुरंत मिल जाता है। तो इनकी क्रेडिट इतनी है, इनके पास ये नंबर भी है क्योंकि अभी ये फैले हुए हैं, हर महीने एक कंटेनर भेजते हैं। अभी आपने लास्ट मंथ कहाँ पे भेजा? मैंने लास्ट वीक में ही 24 को ओमान में भेजा, 24 को ओमान में भेजा। अभी दर्शित हमें ये बताइए, हमारे स्टूडेंट्स बहुत जानना चाहते हैं कि आपने इनको टर्म्स कौन सी ली थी जब भेजा, और पेमेंट टर्म्स, ये दो चीज़ें हमें बताइए। पेमेंट टर्म्स तो ज़्यादातर मैं 100% 30% एडवांस और 70% बिफोर लोडिंग ही करता हूँ। 30% ड्यूरिंग POPI, हाँ POPI, 30% ड्यूरिंग POPI, ऑर्डर प्लेस करने के टाइम पे 30% लेते हैं तब भी माल बनेगा। 30% लेने के बाद, क्योंकि चाहे वो उनके रिश्तेदार हो, पर ये जो है फ्लेक्सी बॉन्ड कंपनी, इनके मैन्युफैक्चरर, वो पैसे, उनको भी तो पैसे चाहिए। 30% एडवांस लेते हैं और 70% बिफोर शिपमेंट। आपका शिपमेंट तैयार हो गया है, ये फोटोग्राफ्स लीजिए, ये प्रोसेस लीजिए और 70% ट्रांसफ़र कीजिए, उसके बाद ही मैं आपको माल भेजूंगा। और आप कैसे माल भेजते हैं? ये सेम चाइना टर्म्स है, चाइना वाले इतना एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप 5 कंटेनर लो, 1 कंटेनर लो या 10 कंटेनर लो, वो आपको कभी भी क्रेडिट नहीं देंगे। तो मैं, मेरे जितने भी नए एक्सपोर्टर्स हैं जो नए एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं उनको भी एक ही सलाह देता हूँ, अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा है, अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस अच्छा है, तो आप क्रेडिट पे माल मत दीजिए, वो बायर कैसे भी करके आपके पास आएगा ही आएगा। अगर आप प्रोडक्ट के लिए बहुत श्योर है, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, आप खुद के ऊपर भरोसा है कि मेरा प्रोडक्ट रिसर्च और मेरा प्रोडक्ट की क्वालिटी जो मैं यहाँ लिखता हूँ वैसा है, जो मैंने यहाँ लिखा है वैसा है, तो क्रेडिट से ही काम करना, मतलब क्रेडिट मत देना, पैसे एडवांस में लेके ही काम करना, ये दर्शित हमारे सब नए एक्सपोर्टर्स को बता रहे हैं।
और इनकोटम कौन से रखते हो? मैं ज़्यादातर CIF रखता हूँ एक्सपोर्ट में, और बायर को बोलता हूँ कि मैं आपको इंश्योरेंस भी फ्री करके दूंगा अगर आपका फुल कंटेनर है तो। इंश्योरेंस का तो 3-4 हज़ार रुपये नॉमिनल चार्ज होता है, लेकिन बायर को क्या है कि इनको इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं का सप्लायर का। कौन सा इंश्योरेंस आप फ्री में करवा के? शिपिंग इंश्योरेंस, उनको बोलता हूँ कि अगर आपके पास शिपिंग अरेंजमेंट नहीं है तो मैं शिपिंग भी अरेंजमेंट करके दूंगा, क्योंकि हमारा इधर तो आप फ्रेट उनसे लेते हो? फ्रेट इधर लोकल से लेके उनको कॉम्पिटिटिव फ्रेट भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेट वो पे करते हैं? हाँ, फ्रेट वो करते हैं पूरा उनका। तो ये एक नई बात सीखने को मिली हमें, जब ये दर्शित अभी अपना कंटेनर ओमान में भेजा तो इन्होंने क्या किया कि 30% एडवांस लिया, 70% बिफोर शिपमेंट लिया। इसके बाद जो इन्होंने इनको टर्म्स में FOB रेट ही दिया था, तो फुल कंटेनर है तो FOB में वो लोग मरीन इंश्योरेंस दर्शित भाई अपनी तरह से दो चीज़ें अपनी तरह से, अगर फुल कंटेनर हैं तो एक वही कंपनी का नाम अगर वो चाहे तो, और दूसरा मरीन इंश्योरेंस खुद लेके देते हैं। CIF अपने पोर्ट तक का रहता है, CIF उनके पोर्ट तक का रहता है। हाँ, पर फ्रेट भी आप उनको देते हो? फ्रेट उनसे ले लेते हैं लेकिन कॉम्पिटिटिव रेट उनको प्रोवाइड करते हैं। एग्जैक्टली वही मैं बोलने जा रही हूँ, तो FOB ही बोलते हैं उसे, FOB ही करते हैं, पर बताते हैं लिखते हैं CIF अपने PIPO में, और क्या करते हैं कि फ्रेट यहाँ से कंपेटिटिव रेट में लेके वो भेजते हैं क्लाइंट को, बायर को, और वो जो फ्रेट का पैसा है इंश्योरेंस का नहीं, इंश्योरेंस इनकी तरफ से है, फ्रेट जो है वो बिल में ऐड करके इनको वापस मिल जाता है। तो ये सुविधा जो है छोटी छोटी वैल्यू एडिशन के बायर को कोई दिक्कत ना आए वैसी वैल्यू एडिशन दर्शित करते हैं, क्योंकि चाइना ये नहीं करता है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी गुड। तो हमने आज देख लिया इनको टर्म्स, हमने देख लिया पेमेंट टर्म्स आपकी क्या है। ये आप हर महीने एक कंटेनर भेजते हैं, पर हर महीने क्यों, ज़्यादा जल्दी से हर 15 दिन में नहीं भेज सकते? हाँ, अभी तक तो मेरा इनलैंड मार्केटिंग था, मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग करता था, लेकिन अब मैंने ये साल से सोचा है कि मैं ऑन फील्ड जाके मार्केटिंग करूँ। तो मेरा अभी नेक्स्ट प्लानिंग है जो नज़दीक के जो कंट्रीज है, अच्छा ओमान है जैसे, दुबई है, फिर बांग्लादेश है, नेपाल है, वहाँ पे जाके आप वहाँ फील्ड टू फील्ड में सैंपल लेके जाने वाला। वेरी गुड। अभी तक इन्होंने ऑनलाइन मार्केटिंग की है B2B वेबसाइट्स वगैरह में, अभी वो खुद जाके मार्केटिंग करना चाहते हैं तो वो जल्दी जल्दी भी ये कंटेनर्स बेच सकते हैं। वेरी इम्पॉर्टेंटली, गवर्नमेंट आपको कितना मदद करती है, क्या इंसेंटिव्स देती हैं गवर्नमेंट आपको इस प्रोडक्ट के लिए? पहले तो इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया 2015 में, लेकिन अभी 2019 में या 2018 से आप बोलोगे तो इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया है कि गवर्नमेंट बैंक वाले भी पूरा सपोर्ट करते हैं। अभी मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो मैं बैंक में जाता हूँ तो वहाँ पे भी उतना सपोर्ट करते जैसे आपको लगे कि प्राइवेट बैंक है। फिर अपने गवर्नमेंट में अपने FIO वाले हैं, ECGC वाले हैं, वो इतना हेल्पफुल रहते हैं ना, आप वहाँ पे जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप गवर्नमेंट ऑफिस में गए हो। यहाँ बहुत अच्छा, इतना वो सपोर्टिंग करते, पूरा बैठा के आपको पूरा समझाएंगे, पूरा फॉर्म भी फिलअप करके देंगे और पूरा बताएगी कि आपको कभी भी कुछ भी ज़रूरत हो तो आ जाना। फिर गवर्नमेंट के इंसेंटिव भी बहुत अच्छे रहते हैं। इंसेंटिव्स क्या है गवर्नमेंट के? इंसेंटिव में पहले दो इंसेंटिव रहते हैं एक्सपोर्ट में, पहले तो एक ड्यूटी ड्रॉबैक रहता है और MEIS रहता है। ड्यूटी ड्रॉबैक में क्या 10% हर एक कंट्री के अलग अलग ये परसेंटेज गवर्नमेंट ने रखे, जो डेवलपिंग कंट्री उसके कम है, जो अंडर डेवलपिंग कंट्री उसके ज़्यादा रखे। तो गवर्नमेंट 1.5% हमारी प्रोडक्ट में 1.5% है, तो 1.5% पूरा महीना ऑफ FOB वैल्यू इनको अकाउंट में जमा हो जाते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। और दूसरा, पहले तो क्या होता था वो क्लेम करने पड़ते थे, लेकिन अभी ऑनलाइन हो गया तो एग्जैक्ट एक महीने के अंदर अपने अकाउंट में आ जाता है। दूसरा MEIS है जो हमारे प्रोडक्ट में 2% है, वो हम बॉन्ड की तरह एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है उसके सामने। दूसरा है 2% थ्रू MEIS, सो ही ऑलमोस्ट गेट्स 3.5% फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड GST।
जीएसटी एक्सपोर्ट में तो जीएसटी लगता नहीं है। नहीं, पर आप बायर को सप्लायर को देते होंगे। नहीं, वो जीएसटी बॉन्ड लेके ही एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एलयूटी लेके करते हैं। तो एलयूटी लेके लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लेके करते हैं तो उनको जीएसटी नहीं होता है, तो फिर रिफंड की भी झंझट नहीं रहती है। और इनकम टैक्स, इनकम टैक्स तो ओवरऑल जो बढ़ते हैं वही उसमें जो होता है, बाकी कोई एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट नहीं है, एक्सपोर्ट में कोई नहीं है। तो ये सारी ड्यूटी ड्रॉबैक, यू हैव MEIS, यू हैव नो GST और GST रिफंड या फिर नो इनकम टैक्स, दिस आर द फ्यू बेनिफिट्स विच ही इज क्लेमिंग। व्हाट कुड बी योर मार्जिन इन दिस बिजनेस? आपका एक कंटेनर कितने में जाता होगा? पहले मेरा एक कंटेनर 30 से 35 लाख, 30-35 लाख तक जाता है। और 100% एडवांस में काम करते हैं, शिपमेंट जाने से पहले 100%। और क्या रहता है आपका जनरली एक्सपेंसेस निकाल के? मेरा एक्सपेंसेस निकाल के पहले तो गवर्नमेंट बेनिफिट का बात करें तो 45,000 से 50,000 तो ड्यूटी ड्रॉबैक का आ जाता है, फिर 30,000 MEIS का आ जाता है, 30-35,000, मतलब 70-80,000 तो मुझे गवर्नमेंट ही दे देती है। तो स्टार्टिंग में तो मैंने एक दो कंटेनर तो ऐसे भेजे हैं कि वो ब्रेक इवन पॉइंट पे भेजे ट्राई करने के लिए। स्टार्टिंग में ट्राई करने के लिए ऐसे ही भेजे जो नो प्रॉफिट गवर्नमेंट ने जो दिया वो था, बाकी नो प्रॉफिट। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इज़ अ बिजनेस ऑफ वॉल्यूम एंड अ बिजनेस ऑफ रोटेशन। अगर आप रोटेशन नहीं करोगे, एक करके रुक जाओगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू बी सक्सेसफुल इन दिस इंडस्ट्री। फिर एक दो करके आप रुक गए, नहीं रुके? नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे फिर मुझे समझ आ गया, मेरे पास सारे कॉस्ट आ गए कि क्या क्या है, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या कौन से कॉस्ट है। फिर मैंने धीरे धीरे फिर मैंने वो डॉलर का फ्लक्चुएशन भी मायने में लिया, जो पहले मैं नहीं लेता था। फिर जो डॉलर फ्लक्चुएशन के हिसाब से मैंने $0.5 रेट एक्स्ट्रा बढ़ा दिए ताकि मार्जिन। डॉलर फ्लक्चुएशन की वजह से इन्होंने कोटेशन में ही आधा डॉलर का रेट बढ़ा दिया था ताकि फ्लक्चुएशन में इनको तकलीफ ना हो। क्योंकि क्या, ये पूरा लॉन्ग प्रोसेस है। जब हम प्रोफॉर्मा इन्वॉइस देते हैं उसके 5-10 दिन के बाद बायर एग्री होता है, फिर उसका 30% पेमेंट आता है, फिर हमारा 5-10 दिन हमारा भी प्रोडक्शन में टाइम लगता है, तो पूरा 1 महीने का साइकिल हो जाता है। एक महीने में डॉलर भी बहुत अप डाउन हो जाता है, तो उसके अच्छा कि बेटर है कि पहले से हम वो भी रिस्क कैलकुलेट करके रखें, तो वो भी अच्छा रहता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और मेन जो है प्राइस है। अगर हमारे जो नए एक्सपोर्टर नए एंटरप्रेन्योर हैं उनको क्या लगता है कि एक्सपोर्ट मतलब पूरा बहुत प्रॉफिट मिलता है और पूरा क्वांटिटी में जाएगा माल, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आपको क्वांटिटी मिलेगा, आपने जैसे बोला कि रोटेशन मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन आपको कॉम्पिटिटिव रेट रखना पड़ेगा, नॉमिनल रखना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल आपको प्रॉफिट तो ज़्यादा ही मिलेगा, लेकिन रेट आपको वॉल्यूम है तो प्रॉफिट कम है। आप ये ध्यान में रख के अपने कैलकुलेशन करो। लड़के मुझे कभी कभार पूछते हैं अपने स्टूडेंट्स के, मैडम 5% रख लो, ये कोई भाजी ताले का बिजनेस नहीं है कि दे दो भाई दे दो, ये सब्जी मंडी नहीं है, ये वॉल्यूम का बिजनेस है। आप कितने टन माल भेजते हो? मेरा 24-25 टन माल जाता है एक कंटेनर में। 40 फीट कंटेनर में 25 टन माल जाता है इनका, तो 25 टन में इनका प्रॉफिट जो होता है वो कंपेटिटिव रेट से, और इनको प्रॉफिट ज़रूर मिलता है पर कंपेटिटिव रेट में। तो हम अगर अंदाज़ा लगा के बैठे कि नहीं नहीं मुझे तो इतना मिलेगा, मैंने इतना सारा माल भेजा, ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। हमें दुनिया से कम्पीट करना है। आज इनका हर महीने एक कंटेनर जा रहा है। रिपीट कस्टमर्स कितने आए आपके पास? रिपीट करने 4-5 है, रिपीट है। 4-5 बायर्स इनके रिपीट हैं। दैट मींस दे आर वेरी हैप्पी पेइंग हिम इन एडवांस, दे आर वेरी हैप्पी विथ हिज प्रोडक्ट्स एंड दे आर वेरी हैप्पी विथ हिज सर्विसेज। सो इनकी वैल्यू एडिशन, इनके बायर के साथ के रिलेशंस, इनकी कंपेटिटिव प्राइस, ये इनको एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनाती हैं। आप हमारे नए एक्सपोर्टर जो बन रहे हैं उनको क्या बोलोगे? आप 5 साल से बिजनेस कर रहे हो, नए एक्सपोर्टर को मैं पहले वही सलाह दूंगा कि आप थोड़ा ग्राउंड वर्क भी कर लीजिए कि आपको कहाँ से माल लेना है, उसका प्राइस क्या रहेगा, फिर इंटरनेशनल लेवल में उसका प्राइस क्या रहेगा वो भी चेक कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है, बायर आ जाता है आपके पास लेकिन आपके पास वो चीज़ नहीं रहती, वो प्राइस नहीं रहता जो बायर को चाहिए। वो भी एक इम्पोर्टेंट है कि आपके पास क्या है, आपके पास प्राइस क्या है, और आप लोग का एक्सपोर्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो
बायर की, हाँ मतलब वो बायर को क्या चाहिए, वो क्या चाहिए और क्या प्राइस है। अभी कभी कभी आपने कहीं से भी प्रोडक्ट ले लिया होगा और उसका प्राइस डबल होगा तो बायर दूसरी बार आपको रिप्लाई भी नहीं करेगा, क्योंकि अभी वो पूरा ऑनलाइन हो गया है तो बायर भी 8 से 10 सप्लायर का प्राइस लेके बैठेगा, वो भी ये R&D करेगा। हम जैसे जब कुछ खरीदने जाते हैं तो चार पांच जगह पे पूछते ही है, हाँ, तो वो भी पूछेगा, जाहिर सी बात है। हाँ, तो मेन वो आप एक तो प्राइस कंसिडर अपना होना चाहिए, उसके सामने क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए, ये दोनों है तो आप पहले तो। और कुछ नए लोग क्या करते हैं कि क्रेडिट पे माल बहुत दे देते हैं, तो मैं मेरे नए एंटरप्रेन्योर या नए एक्सपोर्टर को वही सलाह दूंगा कि आप उधारी पे या क्रेडिट पे माल मत दीजिए। उधारी पे या क्रेडिट पे माल मत दीजिए इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये चीज़ें से हम दर्शित भाई से, दर्शित पटेल से आज शुक्रिया बोलेंगे इनको यहाँ आने के लिए। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको ये जानकारी और चाहिए, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हम जवाब देते हैं, एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।